गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम वोवल्स। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि हमारे अल्फाबेट जो फैमिली होती है ए से लेकर जेड तक, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आप जो पढ़ते हैं ए से जेड तक, वो 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में से हम 5 लेटर्स निकालते हैं जो हम लोग वोवल कहते हैं, इनको हम साउंड वर्ड्स भी कहते हैं। ये टोटल 5 होते हैं। पहला ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स होते हैं बच्चों जिनको हम वोवल कहते हैं। इनके अलावा जो वर्ड्स बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आज मैं आपको इन 5 लेटर्स यानी वोवल साउंड के बारे में पढ़ा रही हूँ। देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली। हमारी अल्फाबेट फैमिली कौन सी है? ए से जेड तक। और इसमें 5 लेटर्स कौन से होते हैं? वोवल होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, कितने होते हैं ये? 5। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये आपको पता पड़ गया कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 लेटर्स वोवल्स होते हैं। अब इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, उनके साउंड भी इनके द्वारा ही बनता है। जैसे ए साउंड, ए साउंड से बनने वाले वर्ड्स आप देख सकते हैं, कैप, बैग, लैम्प, जैम, बैट। सब में ए साउंड सुनाई दे रहा है ना। ई साउंड, पैट, जेट, बैल, पैन, की, ई साउंड आया। साउंड आई, पिग, बिन, विन, सिट, किड, ये आई साउंड था। ओ, पॉट, कॉट, ऑक्स, टॉक, गॉड, सब में ओ साउंड आया। यू, जग, नट, ट्यूब, कप और हट। तो बच्चों ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ आप लोगों को दिए ये सब साउंड वर्ड्स होते हैं, और ये किससे बने हैं? हमारे 5 लेटर जो वोवल होते हैं उनसे बने हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए वोवल्स के बारे में बताया, फिर यहाँ 5 वोवल्स बताए, उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में भी करना है बच्चों, और लर्न भी करना है। तो बोर्ड पे दिया वाला सारा काम आप अपनी कॉपी में करेंगे और इन साउंड वर्ड्स को लर्न भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।